नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बागवानी किसान की समस्या पर गौर नहीं करने पर हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता को निलंबित करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री गुरुग्राम जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। वीरवार को हुई बैठक में कुल 11 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से अधिकतर का मुख्यमंत्री द्वारा मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। अभी गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी। हर महीने जैसा हम लोगों ने तय किया कि महीने की मीटिंग हुआ करेगी, महीने के दूसरे शुक्रवार को तय किया था, लेकिन आज एक दिन पहले ही मेरा कार्यक्रम जो बना हुआ था आज ही मीटिंग हो गई है। 11 कंप्लेंट्स थी, ज़्यादातर का निपटारा हुआ है। केवल एक कंप्लेंट ऐसी थी जो बिजली की तारें ऊपर से जा रही थी, वो पिछली बार भी उसकी कमेटी बनाई थी, आज उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी है। फिर भी उसमें नया एस्टिमेट बना करके उन तारों को कैसे हटा के और हल किया जा सकता अगली बार के लिए, फिर उसको पोस्टपोन किया। एक महीने में फिर अपने सारा एस्टिमेट वगैरह बना करके देंगे। एक बाग के अंदर से बिजली के एक लाइन लगाने का एक विषय आया था, उसमें लापरवाही देखी गई, जो एक्शन था तो एक्शन को उसमें सस्पेंड कर दिया हमने। और दो दिन पहले भी रादर 4 दिन हो गए हैं, हमारे पावर मिनिस्टर ने पानीपत में रात के समय एक औचक निरीक्षण किया था। कुछ अधिकारियों के घरों पर जाकर के देखा तो बिना मीटर के ही उन्होंने कनेक्शन लिए हुए थे। डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है कि अधिकारी भी इस प्रकार की अगर चोरी करेंगे तो आखिर बिजली की चोरी रोकने के लिए जनता को हम नहीं प्रेरित कर पाएंगे। तो इसलिए उन अधिकारियों पर सख्त एक कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना किया गया भारी। 3 चीफ इंजीनियर थे जिनके घर इस प्रकार का पार्टली उन्होंने मीटर लिए हुए थे और पार्टली उसमें से चोरी भी कर रहे थे, तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया 3 लोगों को। और ऐसे 6 जूनियर लेवल के जो लोग थे उनके ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। तो ऐसा अधिकारियों के ऊपर भी हम सख्ती कर रहे हैं, यानी जो बड़े ऑफिसर हैं पावर डिपार्टमेंट के, कि कोई भी चोरी नहीं करेगा। चोरी करने को अगर रोकना है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, और बाढ़ अगर खेत को खाएगी तो खेत सुरक्षित कैसे रहेगा। तो इसलिए वो एक सख्त एक्शन ये हमने लिया है। देखिए, उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, 2 बार हुई है। और चूँकि हम तो हमारे अपने शासन काल में भी जो भी कोई बात हमको ध्यान में आती है हम उसमें जांच कराने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारा वो समय अब नहीं है कि अगर किसी समय कोई जांच में गड़बड़ पाई गई तो उसको कैसे दबाया जाए। हम दबाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो भी कोई दोषी है, चाहे कोई डिपार्टमेंट की ओर से होगा, अधिकारी होगा, कोई नेता होगा, या कोई जनता का भी आदमी होगा, कोई ट्रेडर होगा, कर्मचारी होगा, जो भी को दोषी पाया जाएगा भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। अब उसमें उस फाइंडिंग में ध्यान में आया है कि 90 करोड़ रुपये जो हमारे ACS फूड एंड सप्लाई उन्होंने जो बताया है, 90 करोड़ रुपये की जो कमी पाई गई है उनको नोटिस दे दिए गए हैं और वो 90 करोड़ रुपये की वसूली जो है उनसे की जाएगी।